तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर आ गया हूँ हरिद्वार। अगर आप सभी भी हरिद्वार आने का मन बना रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को हरिद्वार के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो आप सभी मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप सभी सावन के महीने से पहले यहाँ पर आ सकते हो तो आपके लिए यह समय यहाँ पर बिल्कुल अच्छा होगा। मई जून का समय आपके लिए यहाँ आने का बहुत ही अच्छा समय है। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ पर आ रहे हो तो इस समय हरिद्वार के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हो। पार्किंग की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर आपके रुकने के लिए आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी और यहाँ पर होटल भी मिल जाएगा, जिनका किराया पर डे का 500 से 1000 रुपये के बीच होगा। और हर की पैड़ी पर जो आरती का समय है वो सुबह 5 बजे होती है और शाम के 5 बजे भी यहाँ पर आरती होती है। अगर आप सभी बस से यहाँ पर आना चाहते हो तो दिल्ली से और हरिद्वार का किराया सरकारी बस का 300 रुपये होगा और प्राइवेट वोल्वो बस का किराया 500 से और 1000 के बीच में होगा। अगर आप सभी बाय ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार आना चाहते हो तो 65 रुपये से और 2 AC, 3 AC, 1 AC का किराया बढ़ता हुआ 1500 रुपये तक जाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी यहाँ पर बाय एयर आना चाहते हो तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट जोली ग्रांट देहरादून का पड़ेगा। वहाँ से हरिद्वार की दूरी 55 से 60 किलोमीटर की होगी। दोस्तों, अगर आप सभी हरिद्वार आ रहे हो तो हरिद्वार के लिए 2 दिन का ट्रिप जरूर रखें, ताकि आप यहाँ पर गंगा स्नान के बाद यहाँ की धर्मशाला, चंडी माता का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर आदि के दर्शन भी कर पाओ। कुछ ही देर में मैं आप सभी को मनसा देवी के मंदिर है जो वो भी दिखाने वाला हूँ। आप सभी देख सकते हो, मनसा देवी का जो मंदिर है वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ से हरिद्वार की जो दूरी है वो 1.5 से 2.5 किलोमीटर के बीच होगी। आप सीढ़ियों द्वारा भी यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर उड़ान खटोला की व्यवस्था आप सभी को मिलेगी। 50 रुपये की टिकट में भी आप सभी वहाँ पर 5 मिनट में जा सकते हो। दोस्तों, आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट्स वगैरह और नहाने के लिए चप्पलें वगैरह और टी शर्ट वगैरह आप यहां से खरीद सकते हो, वो भी आपको सस्ते दामों पर यहां पर मिल जाएगी। 50 रुपये में आपको यहां पर ये शॉर्ट्स वगैरह मिल जाएगा और 100 रुपये में आपको यहां पर टी शर्ट मिल जाएगी, 125 रुपये में आपको यहां पर शर्ट भी मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं, आगे चलकर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों, इस समय हरिद्वार के अंदर इतनी भीड़ नहीं है, आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई है और जो हरिद्वार में जो गंगा जी का जो जल है बिल्कुल साफ है। यहाँ पर भी एक पुल बना हुआ है, आप सभी देख सकते हो। दोस्तों, हरिद्वार के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, आप इन मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलकर मैं आप सभी को जो हर की पैड़ी है वहाँ पर जाकर आप सभी को हर की पैड़ी दिखाता हूँ। यहाँ पर दुकानें वगैरह भी काफ़ी लगी हुई है। अभी दोपहर का समय है तो यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ बहुत ही कम है। सुबह के समय और शाम के समय, खासकर आरती के समय, यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ आप सभी को जरूर मिलेगी इस समय, वरना यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ होती है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को हर की पैड़ी पर लेकर जाता हूँ। आप सभी देख सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े घाट यहाँ पर बने हुए हैं। और ये हर की पैड़ी है, यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, आप सभी देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप सभी हरिद्वार आते हो तो यहाँ से हरिद्वार का जो पवित्र गंगा जी का जल है लेकर अपने घर पर जरूर लेकर जाए।
आपको यहाँ पर 20 रुपये से और 100 रुपये के बीच आपको जो जल के लिए जो बोतल है वो सभी आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। जगह जगह छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है और गंगा जी में नहाने के बाद आप सभी या नहाने से पहले आप सभी यहाँ पर आरती भी कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को पुजारी भी मिल जाएंगे और पूजा सामग्री भी आप सभी को यहाँ पर ही पौड़ी पर मिल जाएगी। वो मनसा देवी जी का मंदिर है, वहाँ भी आप सभी जा सकते हो मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। आप सभी देख सकते हो श्रद्धालु यहाँ पर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और दोस्तों आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को जरूर बता दूं, आप लोग हरिद्वार में आकर यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाए और अपने कपड़े यहाँ पर बिल्कुल भी ना छोड़े। कुछ लोग यहाँ पर आकर अपने भीगे हुए कपड़े नहाने के बाद छोड़ देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो व्यूवर्स पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से ऐसी एक और नई वीडियो में।